ये लड़की जमीन के नीचे चली जाती है। लड़का ये सब देखकर डर जाता है, तभी पेड़ की बेल को काटता है और उसे पकड़कर जमीन के नीचे चला जाता है। लड़का लड़की को बचाने के लिए जमीन में कूद गया था, तभी वहाँ पर एक बड़ा चूहा आता है। वो चूहा उस गड्ढे को सूंघने लगता है और यहाँ से चला जाता है। तभी वो दोनों बैल को पकड़कर बाहर आते हैं। लड़के ने लड़की की जान को बचा लिया था, तभी वो चूहा इनके सामने आ गया था और वो लड़के के ऊपर अटैक करता है। ये चूहा बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो चूहा लड़के को लपेट लेता है और उसके हाथ पर काट लेता है। ये दोनों आपस में बहुत देर तक लड़ रहे थे, लेकिन ये लड़की खड़ी होकर केवल तमाशा ही देख रही थी। तभी वो चूहा छूटकर इस लड़की की तरफ आता है, लेकिन तभी वो लड़का उस चूहे को पकड़ लेता है। लेकिन चूहे ने लड़की के कपड़े को पकड़ लिया था, जिस वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है। तभी वो लड़की चूहे के मुंह पर एक डंडा मारती है, जिससे वो चूहा लड़की को छोड़ देता है। लेकिन वो चूहा लड़के को काट रहा था, तभी वो लड़का चूहे को आग में जला देता है। चूहा आग में तड़प रहा था, लेकिन वो चूहा जलने के बाद भी लड़के के पास आ रहा था। तभी वो लड़का तलवार से चूहे को मार देता है और यहाँ दिखाया जाता है जो नाव पर कुछ लोग थे। तभी इनकी नाव से एक लड़की पानी में कूद जाती है। इस लड़की को इन लोगों ने पकड़ रखा था, लेकिन लड़की यहाँ से भाग नहीं सकती थी। तभी लड़की के ऊपर एक सार्क हमला करती है।